तो जब मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एमिली जो होती है वो घर वापस आने की कोशिश कर रही है। जो उसे कॉल पर बोल रहा है कि तुम क्या बॉर्डर पर आ सकती हो। जो और एमिली ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये दोनों डॉक्टर होते हैं और आदिवासी लोगों की हेल्प कर रही होती है। तो वहाँ वो गई हुई होती है और वहाँ जंग छिड़ गई होती है। इसी वजह से उसे अब फिर से घर वापस आना होता है। उसे पता नहीं होता कि कैसे वो घर आ सकती है। जो भी उसके पास जाने का ट्राई करता है पर उसका वीसा नहीं होता तो जा नहीं पाता। फिर एमिली जो को कहती है कि मैं अब बस पर चढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि जिस बस में एमिली चढ़ गई थी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें डायरेक्टली अमेरिका फ्यूनरली दिखाया गया है जो उसमें ग्रीव कर रहा होता है। जहाँ एमिली मर चुकी होती है वहाँ कुछ दिनों के बाद जो पहुँच जाता है। एमिली की बॉडी अभी तक उन्हें मिली नहीं होती तो इसलिए वो वहाँ होता है। वहाँ का जो ऑफिसर होता है उसे कहता है कि बॉडी हमें मिलने नहीं वाली, यहाँ का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है और पानी में वो गिर चुकी थी। बस भी 10 फीट पानी में ही है इसलिए इम्पॉसिबल है। जो जिद पर अड़ा हुआ होता है, जब तक मुझे बॉडी नहीं मिल जाती तब तक मैं जाने ही नहीं वाला, ऐसा उसे कह रहा होता है। पर वो ऑफिसर उसे आश्योर करता है ये इम्पॉसिबल है, तो जो इसके बाद मान जाता है। जब एमिली का फ्यूनरल हो जाता है तो जो डायरेक्टली हॉस्पिटल में चला जाता है। अगर वो काम नहीं करेगा फिर भी उसे सॉरी महसूस होगा तो इसलिए वो काम करना चाहता है। जब वो आता है तब एक केस सुसाइड की आई हुई होती है, उसे मना कर देता है कि मैं आज इन लोगों को ट्रीट करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में जीना चाहते हैं। फिर उसमें एक केस होती है जिसमें एक लड़की की डिलीवरी होने वाली होती है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो वो डायरेक्टली डिसीजंस लेता है, माँ मर जाती है और वो बेटा बच जाता है। वहाँ की जो नर्सेस होती है उसे बोलती है कि तुम्हें कंसल्टेशन करना चाहिए था, पर उसे लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है और हमें डायरेक्टली ये सब कर लेना चाहिए, यानी कि डिलीवरी कर लेनी चाहिए। जो फिर उस लड़की के पास जाता है जिसने सुसाइड की थी, वो उसे कहती है कि क्यों तुमने मुझे मरने नहीं दिया, मैं एक अच्छे प्लेस पर जाने वाली थी। फिर जो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये प्लेस एग्जिस्ट करता है, ये अच्छा प्लेस है या नहीं ये तुम्हें पता भी नहीं है। मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है इसी लाइफ में तुम्हें मरना है तुम मर सकती हो। वो हार्ट ब्रोकन होती है इसलिए उसने सुसाइड का ट्राई किया होता है। फिर उसे कहता है कि जब तक तुम्हारा हार्ट किसी को मालूम ना पड़े, यानी कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें जिंदा रहना है। जो जब घर पर आता है तब उसकी नेबर उसे मिलती है, उसका नाम होता है मिसेस बेलमोंट। बेलमोंट फिर उसे कहती है कि मैं आज एमिली के फ्यूनरल पे नहीं आ सकी, मुझे फ्लू था और किसी को यह लग ना जाए इसलिए मैं नहीं आई। फिर वो उसे एक पार्सल देती है कि एमिली ने पार्सल मंगवाया होता है। बेलमोंट उसे यह भी कहती है कि तुम्हारा जो बर्ड है उसने दिन भर नहीं खाया है, ये एक पैरट होता है। तो फिर जो उसे कहता है ये जो पैरट है ये हमसे ज़्यादा जीने वाला है, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर में आकर जो जब इस पार्सल को खोलता है तो उसमें ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, ये एक डेकोरेशन के ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। एमिली प्रेग्नेंट होती है और अब उन्हें बच्चा होने वाला है इसलिए उन्हें उसने ड्रैगन फ्लाइज मंगवाए होते हैं। जो को फिर उन दोनों की ट्रिप याद आती है, वो लेट के साइड में लेटे हुए होते हैं और तो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि आफ्टर लाइफ में हम क्या बनेंगे। जो कहता है कि मैं ईगल बनूंगा। फिर एमिली कहती है कि अगर तुम ईगल बने तो तुम्हें मेरे बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ईगल नहीं बन सकती। उसे ड्रैगन फ्लाई बनना होता है, उसे ड्रैगन फ्लाई अच्छा लगता है, वो उसका स्पिरिट एनिमल होता है। उसे अपनी वाइफ की बहुत ही याद आती है, उसकी वाइफ का जो तोता होता है वो भी उससे बात नहीं करता, वो सिर्फ एमिली से बात करता था। जब वो रात में सोया हुआ होता है तो जो पेपर वेट होता है वो गिर जाता है और इस पेपर वेट में भी ड्रैगन फ्लाई बना हुआ होता है। पूरे घर में उसे ड्रैगन फ्लाई आज दिखे थे। वो नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल जाता है तो अपने फ्रेंड से लंच ब्रेक पर यह सब बातें करता है। वो कहता है कि पूरे घर में मुझे ड्रैगन फ्लाई दिख रहे थे, मेरा तोता भी मुझसे बात नहीं करता, ये सब वो जब बोल रहा होता है तो डॉक्टर फिर उसे कहता है कि तुम्हारी उस घर में बहुत सारी मेमोरीज है, तुम्हें उस घर को बेच देना चाहिए। जो उसे कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें करनी है, इसके बाद मैं इस घर को बेच दूंगा। वो डॉक्टर से कहता है कि उस तोते को भी बेच दो, पर फिर जो उसे कहता है कि एमिली को मैंने वादा किया था कि उस पैरट का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर वहाँ हॉस्पिटल का जो बॉस होता है वो आता है, जो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर जो उससे कहता है कि मैंने एमिली को प्रॉमिस किया था उसके जो भी सब बच्चे हैं उनका मैं ख्याल रखूंगा। इसका मतलब है कि एमिली जो होती है वो कैंसर की डॉक्टर होती है और कैंसर जिन बच्चों को हुआ होता है उन बच्चों का वो ख्याल रखती है, तो जो भी अब उन बच्चों का ख्याल रखने वाला होता है। फिर हॉस्पिटल का जो बॉस होता है वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर जो एमिली जिस वार्ड में काम करती थी वहाँ पहुँच जाता है।
जब उसके पेशेंट की वो लिस्ट देखता है तो बहुत सारे उसमें से पेशेंट मर चुके होते हैं, बहुत ही कम जिंदा होते हैं। वो उसी वार्ड में बेंच पर सो जाता है। वो जाग जाता है जब उसे एक पुकार सुनाई देती है, उसका नाम कोई ले रहा है ऐसा उसे लग रहा होता है। जब वो देखता है तो एक बच्चा अनकॉन्शियस होता है और उसे सब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे होते हैं। वो बच्चा ही उसे पुकार रहा है ऐसा उसे लगता है। वो बच्चे के पास पीछे पीछे जाता है तो बच्चा अनकॉन्शियस होता है और उसका हार्ट स्टॉप हो जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे बचा नहीं पाते। जो वही होता है, वो बच्चा मर चुका था पर थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो जाता है। सब लोग उसे बचा लेते हैं। नर्स के साथ बाहर जो होता है तो नर्स उसे कहती है कि हमेशा ये बच्चा फिर से वापस आ जाता है। जब वो मर चुका होता है उस टाइम में वो क्या क्या उसने महसूस किया था उसकी स्टोरीज भी वो बताता है। वो एक टनल के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट दिन जो को फिर लगता है कि उस बच्चे से उसे बात करनी चाहिए, तो इसलिए नर्स को पूछता है कि क्या तुम मुझे राउंड पर डाल सकती हो। नर्स बोलती है कि हमारा बॉस है इसके खिलाफ है, पर उसके बॉस को वो भी हेट करती है। जो भी उसको हेट करता है तो इसमें वो ज़रा कनेक्ट होते हैं और फिर वो नर्स उसे उस राउंड पर डाल देती है। फिर जो जब उस बच्चे से मिलने जाता है तो वो बच्चा क्रॉस बना रहा होता है। नर्स जो से कहती है कि जब से ये उठा है यही क्रॉस वो बना रहा है। जो अपने खुद से इंट्रोड्यूस उसे कराता है और कहता है कि कल मैं आईसीयू में था। तो वो बच्चा, उसका नाम होता है जेफरी, तो जेफरी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ थे। जो उसे कहता है कि तुम तो अनकॉन्शियस थे, तुम्हें कैसे पता था। जेफरी कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। नर्स जो को कहती है कि जेफरी के पास बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है, इस पर तुम बिलीव मत करो। जेफरी पर कोई बिलीव ही नहीं करता। वो नर्स उसे कहकर जाती है कि इस तरह के जो डिस्कशन है, यानी कि आफ्टर लाइफ की जो डिस्कशन है, वो हम इनकरेज नहीं करते। सिस्टर मेडलिन थी जो ये करती थी तो हमने उसे फायर कर दिया है। जब नर्स चली जाती है तो जो फिर से जेफरी से बात करने लग जाता है, तो जेफरी से वो पूछता है कि तुमने मुझे कैसे देखा था। तो जेफरी बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था पर मैं सीलिंग पर था, यानी कि वो अपनी बॉडी से निकल चुका था, उसकी सोल चली गई थी और उसने उसे देखा था। जो उस पर बिलीव नहीं करता तो वो ये भी बताता है कि तुम्हारी टाई अलग थी। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारे सर पर एक बॉल्ड स्पॉट है। जो जब अपना नाम उसे बताता है तो वो बच्चा उसे कहता है कि क्या तुम इमली के जो हो। जो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो वो कहता है कि मैं इमली से मिला था जब मैं कल चला गया था, और जब मैं रेनबो में था तब मैं उसे मिला था। मैं बह जाने वाला था, मैं इस दुनिया से चले जाने वाला था, पर इमली ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, उसने मुझे तुम्हें मैसेज देने के लिए भी कहा था, पर अब ये मैसेज वो भूल चुका होता है। जो उसे याद कराने के लिए बोलता है पर वो याद नहीं कर पाता। ये सब चल रहा होता है तो जेफरी के फादर वहाँ आते हैं। जेफरी के फादर फिर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सर पर जो बॉल्ड स्पॉट है इसके बारे में इसने तुम्हें बोला है। तो जो हैरान होता है, जो को लगता है कि इसे कैसे पता। तो फिर उसके फादर उसे कहते हैं यह एक मिरर है, वो मिरर उसे दिखाते हैं जिससे किसी का भी बॉल्ड स्पॉट उन्हें दिख सकता है। जेफरी के फादर भी जेफरी को बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये कुछ भी ट्रिक वगैरह कर रहा है, उसे सिर्फ टीवी पर आना है इसलिए ये सब कर रहा है ऐसा उसे फादर को लगता है। फिर जो वहाँ से चला जाता है, जो जब वहाँ से बाहर निकलता है तब और एक बच्चे के आईसीयू में देखता है तो वहाँ भी वो साइन ही बना हुआ होता है जो जेफरी ने बनाया होता है। जो रात में अपने फ्रेंड के साथ डिनर करता है तो जो भी किस्सा उस बच्चे के साथ उसका हुआ होता है वो डिस्कस करता है। उसके एक फ्रेंड उसे एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराती है, वो उसे कहती है कि एक ग्रीफ काउंसिलर है जो के लिए वो उसे रिकमेंड कर रही होती है। जो को फिर कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो काउंसिलर होती है वो वहाँ आकर उसे बात करती है। वो काउंसिलर फिर उसे कहती है कि जो भी तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि एमिली तुमसे बात करना चाहती है, ये सब एक फॉर्म ऑफ तुम्हारी ग्रीव ही है। तुम एंगर महसूस कर रहे हो इसीलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। जो भी चिढ़ जाता है, जो बोलता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं फील कर रहा हूँ ये बताने के लिए, मैं जो भी सब चीज़ें महसूस कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसे एंगर महसूस हो रहा होता है, उसे ग्रीव महसूस हो रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में हमें दिखता है कि रात में जो हॉस्पिटल पहुंच चुका है वो अब नेक्स्ट बच्चा जो होता है जिसके रूम में उसे वो साइन दिखा था वहाँ आ चुका है। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उसे साइन के बारे में पूछता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे वर्क जो था वो एडमायर कर रहा था, यानी कि जो साइन उसने बनाया होता है उसे वो एडमायर कर रहा था ऐसा उसे बोलता है। तो उस बच्चे से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। वो बच्चा कहता है जब मैं कोमा में था तो मुझे एक लेडी मिली थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारी इमेज मेरे माइंड में उसने डिस्टिल की थी, उसने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, वो तुम्हें
कहीं ले जाना चाहती है। वो उसे पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो बच्चा बोलता है कि जो क्रॉस बनाया होता है वह उसे जाना होता है, रेनबो में उसे जाना होता है। फिर जो उसे कहता है कि उस लेडी को तुम कैसे जानते हो, वो कहता है कि कोमा में जब था वो वहाँ मुझे मिली थी, और जब मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ तब उसकी इमेज मुझे दिखी थी, वो यही हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, ऐसा उसे बताता है। फिर उसे कहता है कि तुम्हें रेनबो में जाना है। ये बच्चा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, पर उसे ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता। फिर जो नर्स के पास जाता है, नर्स से वो पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरी वाइफ का पेशेंट था, तो नर्स बोलती है कि तुम्हारी वाइफ जब मर चुकी थी उसके बाद ही आया था। जो जब घर आता है तब उसने अपने नेबर को बुलाया होता है, उसके नेबर को यह सब बोल रहा होता है कि कैसे वो बच्चे उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब जो उसे जो महसूस हो रहा है उसके बारे में बोल रहा होता है। वो नेबर उसे कहती है कि ये जो तुम तुम्हें लग रहा है ये सब तुम्हें गलत लग रहा है, ये सब तुम इमेजिन कर रहे हो। ये जो नेबर होती है उसकी बेटी भी मर चुकी होती है, इसी वजह से वो दोनों कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसे कहती है कि जब मेरी बेटी मरी थी तो मुझे भी ये सब लग रहा था, तुम्हें ज़रा टाइम ऑफ लेना चाहिए, तुम्हें कहीं नए प्लेस पर जाकर हॉलीडे करना चाहिए। जो के फ्रेंड स्कीइंग की ट्रिप पर जाने वाले हैं, और जो को भी जाना होता है पर उसने पोस्टपोन किया होता है, पर अब वो फिर से जाने वाला होता है। जो को एमिली का और एक पार्सल आया होता है, वहाँ एमिली की फोटोज़ होती है, जहाँ वो लोगों को हेल्प कर रही होती है, आदिवासी लोगों को हेल्प कर रही होती है, वहाँ की ये फोटोज़ होती है। वहाँ बच्चों के साथ वाटरफॉल के पास बहुत सारी इमेजेस उसकी होती है। ये सब जो इमेजेस वो देख रहा होता है, उसके बाद उसे ड्रैगन फ्लाई दिखती है, वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर वो सोने चला जाता है। वो जब सोने चला जाता है तब तूफान आ जाता है, सब खिड़कियाँ वगैरह ओपन हो जाती है। उसका जो पैरट होता है वो हमेशा जब एमिली घर पर आती थी तब एमिली घर पर आई है ऐसा अनाउंस करता था, तो पैरट भूलने लग जाता है। तो जो ये देखने के लिए नीचे आता है तो वो पैरट यहाँ वहाँ उड़ने लग जाता है, घर को वो तहस नहस करने लग जाता है और वो वहीं पड़ जाता है। तब जो खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रहा होता है तो उसे एमिली की एक झलक दिखती है, वो डर जाता है, वहाँ से वो फिर घर से निकल जाता है। वो अपने नेबर को भी कॉल कर देता है और जो भी कुछ होता है वो उसे बता देता है। वो नेबर उस पैरट का केयर करने के लिए वहाँ चली जाती है। फिर जो हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में होता है तो वो जेफरी के बेड तक आता है, पर जेफरी अपना स्कैन वगैरह करने के लिए नीचे गया होता है तो उसका बॉस ही उसे मिल जाता है। उसका बॉस फिर उसे कहता है कि जब तुम उस बच्चे से मिलने कल आए थे तो उसके पास उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, तुमने उसे डिस्टर्ब कर दिया था, तो उसे फिर से वो ब्रेक लेने के लिए बोल रहा होता है। या हॉस्पिटल से जो सिस्टर मेडलिन का पता निकाल रहा होता है, सिस्टर मेडलिन जो थी वो भी आफ्टर लाइफ पे रिसर्च कर रही थी और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल से फायर कर दिया था। जब जो घर पर आता है तो उसकी नेबर उसे कहती है कि एक सीरियस बात मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे गमला दिखाती है और उस पर वही साइन बनाया होता है जो वो बच्चे बना रहे थे। उससे कहती है कि वे तुम ही बना रहे हो, अगर तुमने ये बनाया होगा तुम्हें हेल्प चाहिए। वो फिर उसे ये भी कहती है कि यही साइन इस गमले पर भी है और विंडोज पर भी है। ये देखकर जो हैरान होता है, फिर हमें चर्च में ये दोनों बात करते हुए दिखते हैं। मैडलिन उससे कह रही होती है जो तुम्हें लग रहा है ये सब रियल है, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में नहीं है। फिर उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है कि किसी भी तुम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से पूछो तो वो तुम्हें बताएगा कि जब माइंड अनकॉन्शियस होता है तो उसमें 100 लेयर्स होते हैं, पर जब वो एनेस्थेसिया देते हैं तब 10 ही लेयर तक तुम पहुंच सकते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। वो उसे कन्विंस कर रही होती है जो भी ये सब हो रहा है ये रियल हो सकता है। जो उसे कहता है कि क्या ये मैं इमेजिन नहीं कर रहा हो सकता, तो कहती है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत ही कम फर्क होता है, तुमने भी जब डॉक्टर तुम्हें बनना था तो तुम्हें इमेजिन किया होगा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम बन गए, तो रियलिटी और इमेजिनेशन इतने अलग अलग नहीं है। उस सिंबल के बारे में जो उसे पूछता है और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जो एक बुक उसने लाई हुई होती है उसमें वो चेक कर रहा होता है कि वो सिंबल कहाँ उसे मिलेगा या नहीं, पर उसे फिर भी वो सिंबल कहीं नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट सीन में वो दिखता है कि जो अपने हॉस्पिटल में होता है और वहाँ एक इमरजेंसी की केस आती है। जो का फ्रेंड जो डॉक्टर होता है वो वहाँ नहीं होता और फिर वो जो को कॉल करता है, वो कहता है कि ये जो आदमी है वो अब मर चुका है तो इसके ऑर्गन्स मुझे चाहिए, ये एक ऑर्गन डोनर होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये डॉक्टर उसे होल्ड ऑन करने के लिए बोल रहा होता है। जो फिर उस आदमी के पास जाकर खड़ा होता है। सब जब वहाँ से चले जाते हैं तो जो को लगता है ये फिर से वापस आ चुका है, उसका इसी चीज होता है, उसमें स्पाइक उसे दिखती है। फिर वो आदमी जो जो पुकारने लगता है पर ये आवाज़ इमिली की होती है। ये देखकर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। जब सब लोग वहाँ आते हैं तो वो उनसे कहता है कि अभी उसे मत लेकर जाओ, ये अभी भी जिंदा है।
जब उसका फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है और एक ही चीज़ दिखता है, तब इसमें कुछ भी स्पाइक्स वगैरह नहीं होते। जो उस आदमी को लेकर जाने के लिए रेजिस्ट करता है, पर सब लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। इस पर अब पुलिस के चार्जेस लग जाते हैं। वो जेल में होता है तो उसकी नेबर आती है और उसे वहाँ से छुड़वा लेती है। उसकी नेबर उसे कहती है कि अब तुम्हें इस सब से दूर निकल जाना चाहिए, तुम्हारा हाउस वगैरह सब तुम सेल कर दो, तुम्हें क्लोजर नहीं मिला है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें अगर इमली की बॉडी मिल जाती तो तुम ये सब नहीं करते, उसका क्लोजर उसे ढूंढना चाहिए, ऐसा उसे कहती है। जो भी अब ये सब करने के लिए मान जाता है, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और अब वो ट्रिप पर जाने वाला होता है, हाउस को भी वो सेल करने वाला होता है। वो फिर हाउस में होता है और सब पैकिंग कर रहा होता है। जो फिर से घर में आता है तब वो जब सब चीज़ें उसने पैक की थी उसमें से सब चीज़ें तहस नहस हो चुकी है। वह उसे उसका मैप मिलता है जहाँ उसे जाना होता है, इस मैप को ओपन कर लेता है और इस मैप में फिर उसे वो साइन दिख जाता है जो वो बच्चे बना रहे थे। फिर वो अपने इंस्ट्रक्टर को कॉल लगाता है, उसे पूछता है कि साइन क्या है, तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि वाटरफॉल का साइन है। फिर इमली ने उसे जो फोटोज सेंड की होती है वो देखता है, इस फोटोज में भी वाटरफॉल होता है और उसे रेनबो भी वहाँ देखता है। अब उसे पता चल जाता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसे फॉलो करना चाहिए। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ एमिली थी, वहाँ वो एक फ्लाइट हायर कर लेता है जहाँ से वो एमिली जहाँ थी वहाँ वो पहुंच सके। जब वो फ्लाइट में होता है तो ये पायलट उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कहता है। वो उसे कहता है कि बहुत सारी बॉडीज शोर तक आ चुकी थी, एक गांव है जहाँ तक ये पहुंच चुकी थी, इस गांव की कनेक्टिविटी पूरे अब वर्ल्ड से नहीं है, फ्लड ने सब बर्बाद कर दिया था और जो बॉडीज उन्होंने अब गाड़ी हुई होती है वो जो को दिखनी होती है। वहाँ के लोकल से बात करने के लिए पायलट को उसने लाया हुआ होता है। वो पायलट फिर इन लोगों को बताता है कि इसको उसकी वाइफ की बॉडी देखनी है, तो वो लोग मान जाते हैं। ये आदिवासी लोग उसे कहते हैं कि हम तुम्हें जहाँ उसे गाड़ा है वो जगह तो देख सकते हैं, पर हम तुम्हें गांव तक नहीं ले जा सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। फिर ये सब लोग वहाँ जाते हैं, जो जब वहाँ होता है तब उसे वाटरफॉल दिखता है, उसे पता चल जाता है कि कहाँ गाँव है। जो उस आदिवासी लोगों को इमली की फोटोग्राफ दिखाता है वो फिर दोनों लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि गांव तक इसे ले जाना चाहिए, पर दूसरा उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। जो को वाटरफॉल दिख रहा है तो वो डायरेक्टली वहां से भागने लग जाता है। वो ड्राइवर भी उसके पीछे भागता है। वो भागते भागते एक कड़ा पर आ जाता है, वहां नीचे पानी होता है तो पानी में भी वो डूब जाता है। उस पानी में उसे जिस बस में इमली थी वो बस उसे दिखती है, तो उस बस में वो चला जाता है। उस बस में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा होता है, फिर भी उस बस में ही वो रहता है। इस बस में जब पूरा पानी भर जाता है और वो भी अब अनकॉन्शियस हो जाता है, तब उसे इमली उसके सपने में दिखती है। फिर इस विजन में उसे दिखता है कि इमली जब उस बस में थी तब वो जिंदा थी, वो अनकॉन्शियस होकर उस गांव तक पहुंच गई थी। जब जो को ये पता चल जाता है तो जो पायलट होता है वो उस बस से उसे निकाल लेता है, उसकी जान बचा लेता है। वो पायलट उसे बोलता है कि अब हमें फिर से वापस चला जाना चाहिए, हम जब रात तक पहुंच गए तो हम यहाँ से बचकर निकल जा सकते हैं। जो अब भी जाने के लिए रेडी नहीं होता और गांव की तरफ भागने लग जाता है। वो पायलट भी उसका पीछा करता है क्योंकि ये पायलट अगर अकेला गया तो उसका लाइसेंस जो है वो छीन लाया जा सकता है, तो इसलिए अब उसके पास चॉइस नहीं होती और जो का वो पीछा करता है। जो जाते जाते इस गाँव तक पहुँच जाता है। जब जो वहाँ पहुँचता है तब सब आदिवासी लोग इसको घेर लेते हैं। फिर वो अपनी वाइफ की तस्वीर उन सबको दिखाता है। वो सब लोग इसकी वाइफ को जानते हैं। वहाँ फिर एक ओल्ड लेडी आती है, उससे कहती है कि हम तुम्हारी वाइफ को जानते थे, ये हमें क्योर करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए यहाँ आई थी। जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये फिर से इस गांव में आ चुकी थी। फिर वो उसे एक हट में लेकर जाते हैं। जब जो उस हट में जाता है तो हमें दिखता है कि एक गरीब होती है और वहाँ एक बच्ची होती है, ये जो की बच्ची होती है। उस बच्ची पर बॉडी मार्क होता है और वो ड्रैगन फ्लाई का होता है। एमिली जो थी उस पर भी ड्रैगन फ्लाई का ही बर्थ मार्क था। फिर वो अपनी बच्ची को गोद में उठाता है और वाटरफॉल को देखने लग जाता है। फिर वो हमसे कहता है कि एमिली हमेशा मुझे फेथ रखने के लिए बोलती रहती थी जब वो जिंदा थी। जो मैसेज मुझे देना चाहती थी कि हमेशा मुझे फेथ रखनी है, मुझे बिलीव करना है, तो वो मुझे डेथ में भी वो सिखा कर चली गई। फिर हमें दिखता है कि उसकी बच्ची जरा बड़ी हो चुकी है और उससे वो खेल रहा है, वो बहुत ही खुश होता है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है।